हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल में और मैं हूं आपका दोस्त मेहता वाला। दोस्तों, पबजी जब बैन हुआ था तो उस वक्त मैंने बैन की इन्फॉर्मेशन दी थी कि पबजी बैन हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा था कि अच्छा हुआ जो पबजी बैन हो गया, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये बैन नहीं होना चाहिए था क्योंकि पबजी ही एक ऐसा इकलौता गेम था जो रियलिस्टिक वाली फीलिंग आती थी। खैर, जिन लोगों ने जो भी कॉमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सभी हमारे टेक्निकल मेहता फैमिली के मेंबर हैं। खैर, हम मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि एक नई अपडेट निकल के आई है पबजी की तरफ से कि पबजी अब ऑन बैन होने वाला है इंडिया में, यानी पबजी मोबाइल इंडिया में फिर से वापस आ सकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई है पबजी मोबाइल की तरफ से कि भारत में अब पबजी ऑन बैन होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पबजी कॉरपोरेशन और टेंसेंट कंपनी का आपस में कोलैबोरेशन है और यही चीज सरकार को पसंद नहीं है क्योंकि टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है। आपको बता दें कि पबजी में 10% शेयर होल्डर है टेंसेंट कंपनी का, जो कि एक चाइनीज कंपनी है। यानी पबजी में जो भी कमाई होती है उसका 10% हिस्सा टेंसेंट कंपनी को जाता है और पबजी की ज्यादातर कमाई यानी आधा कमाई इंडिया से होती है। शायद आपको पता नहीं होगा कि पबजी यूजर सिर्फ इंडिया में ही 5 करोड़ से ज्यादा है, यानी 5 करोड़ लोग इंडिया में पबजी गेम खेला करते थे। तो ऐसे में इंडिया का पैसा चाइना के पास जा रहा था, जो कि हमारे गवर्नमेंट को ये चीज कतई पसंद नहीं है, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने पबजी को बैन किया है। लेकिन अब अनबैन कैसे होगा? पबजी को अनबैन करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, टेंसेंट कंपनी जो 10% का शेयर होल्डर है पबजी में, उन्हें हटाना होगा। तो भारत वाली जो पबजी है तो उसमें टेंसेंट कंपनी का नाम, या आप यू कह ले तो टेंसेंट कंपनी की भागीदारी भारत से हटाना होगा, ताकि टेंसेंट कंपनी भारत से इनकम जनरेट ना कर पाए, भारत से 1 रुपया भी ना कमा पाए। इनफैक्ट पबजी कॉरपोरेशन ने यही डिसीजन लिया है कि टेंसेंट कंपनी को पबजी से हटा देगा। उसके बाद फिर ये गेम टोटली साउथ कोरियन गेम बन के रह जाएगा। फिर पबजी कॉरपोरेशन पबजी को ऑन बैन करने के लिए सरकार से अपील करेगी, तभी पबजी ऑन बैन होगा, यानी फिर से पबजी भारत में लॉन्च किया जाएगा। अब ये तभी तेजी से लॉन्च होगा जब आवाम यानी लोग सरकार से मांग करेंगे कि पबजी को ऑन बैन किया जाना चाहिए, पबजी को भारत में फिर से लॉन्च कर देना चाहिए। फिर सरकार हमारी बात सुनेगी, वो चेक करेंगे कि इस गेम का कनेक्शन कहीं चाइना से तो नहीं है। अगर चाइना से कनेक्शन नहीं पाया जाता है तभी ये गेम भारत में लॉन्च होगा और फिर आप बड़े मजे से इस गेम को खेल पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो पबजी गेम बड़े चाह से खेला करते थे। लेकिन दुख की बात ये है कि पबजी बैन होने के बाद पश्चिमी बंगाल के एक 21 वर्षीय छात्र ने सुसाइड कर लिया। दोस्तों, अभी तक जितने भी पबजी गेम की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं उन सभी लोगों का डेटा मेरे वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे कि आखिर किस वजह से उन लोगों ने सुसाइड किए, सुसाइड करने के पीछे क्या कारण था। अगर आप पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखें। खैर, पबजी आने वाला है, इस बात से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग पबजी गेम खेलना शुरू करेंगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट जानने का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, इसे पूरे आग की तरह फैला दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए जल्दी से इस टेक्निकल मेहता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।